दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में आपने मोबाइल फोन पेमेंट्स के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, चाहे वो एंड्रॉइड पे हो, एप्पल पे, गूगल पे या फिर एलजी पे। अब ये सब चीजें क्या हैं, ये कैसे काम करती हैं, आपका डिवाइस इनके साथ में कंपैटिबल होगा या नहीं होगा, ये सभी बातें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अलग अलग जो पेमेंट सिस्टम्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स की और वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं। तो देखिए, एंड्रॉइड पे के लिए आपको आपके फोन में एनएफसी चाहिए, आपका फोन जो है वो एंड्रॉइड किटकैट या उससे ऊपर के वर्जन पे चलना चाहिए, और ये जो अभी फिलहाल अवेलेबल है वो यूएस में है और धीरे धीरे गूगल इसको बाकी कंट्रीज में भी लेके आ रहा है। अब हम बात करते हैं एप्पल पे की। तो एप्पल पे के लिए भी आपके फोन में एनएफसी चाहिए, जो कि आपको आईफोन 6 और उसके बाद के मॉडल्स में मिलती है। साथ ही साथ ये जो सर्विस है ये भी अभी यूएस में लॉन्च हुई थी, लेकिन अभी धीरे धीरे ये भी काफी कंट्रीज में एक्सपेंड हो रही है और धीरे धीरे आपको और भी में देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं Samsung Pay की। तो इसके लिए आपको Samsung Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge Plus और Note 5, इन चारों में से कोई भी आपके पास फोन एक होना चाहिए, और आने वाले जो आपको Samsung के Note सीरीज के या S सीरीज के जो फोन आएंगे उनमें भी आप Samsung Pay का यूज कर पाएंगे। अब ये भी अभी फिलहाल कोरिया और यूएस में चल रही है और बाकी कंट्रीज में धीरे धीरे काफी जल्दी काफी तेजी से एक्सपेंड हो रही है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि ये जो पेमेंट सिस्टम्स हैं ये काम करते कैसे हैं और आप कहां कहां पे इनका यूज कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें दो कैटेगरीज की बात मैं करता हूं, एक जो है एनएफसी बेस्ड, दूसरा जो है वो एमएसटी बेस्ड। देखिए, एनएफसी आपको पता ही है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, मैंने एक वीडियो बनाया था, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं एनएफसी के बारे में ज्यादा डिटेल्स। तो एंड्रॉइड पे जैसे कि एनएफसी पे काम करता है और एप्पल पे भी एनएफसी पे काम करता है। इसके लिए आपको जो पेमेंट जो टर्मिनल होता है, जहां पे आप शॉप्स में अपने कार्ड से आप पे करते हैं, तो वो जो टर्मिनल है वो एनएफसी को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। अब ये जो चीज है ये काफी तेजी से बढ़ रही है उन मार्केट्स में जहां पे एप्पल पे और एंड्रॉइड पे इजीली अभी अवेलेबल है आपके और आप यूज भी करते हैं लोग, लेकिन फिर भी ये हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आज भी आपने कई जगह पे जब आप जाएंगे तो आपको ऐसे वाले जो पेमेंट टर्मिनल्स हैं आपको देखने को मिलते होंगे, और ये जो पेमेंट टर्मिनल्स हैं ये आपका जो मोबाइल फोन पेमेंट्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं अगर आप पेमेंट एनएफसी के थ्रू करते हैं तो, क्योंकि इनमें वो टेक्निक नहीं है एनएफसी की कि आपने फोन को टैप करें और ये रिसीव करके आपका पेमेंट कर लें। तो ये एक छोटा सा एक इसका ड्रॉबैक है कि आप एंड्रॉइड पे या एप्पल पे को हर जगह यूज नहीं कर सकते। इस मामले में सैमसंग पे जो है वो आगे निकल जाता है, क्योंकि वो एनएफसी जो है उसको भी यूज में लेता है और वो एमएसटी को भी यूज करता है। एमएसटी का मतलब होता है मैग्नेटिक सिक्योर ट्रांसमिशन। देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि ये जो आपका टर्मिनल जो आपको दिख रहा है पेमेंट वाला, इसमें आप कार्ड को स्वाइप करते हैं। जब आप कार्ड को स्वाइप करते हैं तो कार्ड के पीछे जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है उसके थ्रू वो डेटा ट्रांसमिट करता है। अब सैमसंग के फोन्स पे भी उन्होंने एक ऐसी चिप लगाई है जिसकी वजह से जब आप अपने फोन को टैप करते हैं ऐसे किसी पेमेंट टर्मिनल पे, तो उस टर्मिनल को लगता है कि आपने कार्ड स्वाइप किया है, क्योंकि वो जो चिप है वो मैग्नेटिकली जो डेटा है उसको ट्रांसमिट कर देती है। तो इसकी वजह से सैमसंग पे को आप मानिए कि आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, आप जिस भी जगह पे कार्ड को यूज कर सकते हैं, आप उस टर्मिनल पे सैमसंग पेमेंट को भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कंपैटिबिलिटी की और ये कहां कहां पे अवेलेबल है और ये आप इनको किन किन जगहों पे काम में ले सकते हैं। अब आता है सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये कि क्या आपको इन चीजों को काम में लेना चाहिए या क्या ये ज्यादा सिक्योर है या क्या ये कम सिक्योर है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मोबाइल फोन पेमेंट्स अगर आप करते हैं तो वो आज की डेट तक सबसे ज्यादा सिक्योर सिस्टम है। आज से पहले आप जो भी टेक्निक यूज करते थे, आप चाहे कार्ड को स्वाइप करते थे, चाहे आपके कार्ड में चिप होती थी, चाहे कुछ भी होता था, वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं था। मतलब इतना सिक्योर नहीं था, उसमें आपको चांसेस थे कि आपका जो डेटा है वो लीक हो जाए। मैं आपको बताऊंगा कैसे। लेकिन मोबाइल फोन पेमेंट अगर आप करते हैं तो आप मान लीजिए कि आप बिल्कुल एकदम सेफ्टी आपको इसमें मिल रही है पूरी की पूरी, और आपका जो कार्ड की डिटेल्स हैं वो बिल्कुल सिक्योर हैं। देखिए, हम बात करते हैं दो एग्जांपल्स की। आपने कार्ड को दिया, जब आप गए टर्मिनल पे, तो वो जो कार्ड था वो अपने सेल्समैन को जो काउंटर पे था आपने उसको दिया, और उसने आपका कार्ड मशीन में डाला, स्वाइप किया आपकी तरफ, उसने टर्मिनल घुमा दिया और आपने अपना पिन डाल के पेमेंट कर दिया। दोस्तों, ऐसा करते टाइम मैंने ऐसा कई बार सुना है, कई केसेस ऐसे हुए हैं, कई बार पेपर में मैंने पढ़ा है कि जो सेल्समैन होते हैं वो क्या करते हैं ना, आपके जो कार्ड के जो नंबर्स हैं, एक्सपायरी डेट है और जो आपका सीवीवी है, वो तीन चीजें वो याद कर लेते हैं, क्योंकि 16 अक्षर होते हैं, नंबर में कोई बड़ी बात नहीं है, और स्टार्टिंग के जो नंबर्स होते हैं वो कई बैंक्स की ऑलमोस्ट सीरीज सेम होती है, तो उसको बस लास्ट के कुछ नंबर्स याद करने होते हैं, आपका एक्सपायरी तो बहुत ही एक आसान चीज होती है, और पीछे का सीवीवी कोड। ऐसा करने के बाद में वो आपके कार्ड को मिसयूज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बहुत ही अच्छे से बताना चाहूंगा कि जब भी आप किसी ऐसी जगह पे पेमेंट करने के लिए जाएं, तो अपना कार्ड देके आप भूल ना जाएं, आप किसी और बातों में अपना ध्यान ना लगाएं, आप अपने कार्ड पे हमेशा नजर रखें, और आप ये ध्यान रखें इस बात का कि जो सेल्समैन है वो आपके कार्ड को पढ़ नहीं रहा है या वो उसको रीड करने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, एक तो इस जगह पे आपका जो मोबाइल फोन पेमेंट के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपका बच जाता है सारा सिस्टम। दूसरी चीज जो है वो ये कि जब आप एक नॉर्मल कार्ड से स्कैन करते हैं और जब आप पे करते हैं, तो वो जो टर्मिनल है वो आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, और ऐसे में मान लीजिए अगर कोई छोटी कंपनी वगैरह है, जैसा कि वो कोई अगर बड़ी पॉपुलर कंपनी नहीं है जहां पे अपने
इंप्लीमेंट किया था, अगर उस कंपनी का डेटा हैक हो जाए तो साथ में आपकी कार्ड की डिटेल्स भी एक्सपोज हो जाती है कई बार। लेकिन जब आप एक मोबाइल पेमेंट करते हैं तो मोबाइल फोन जो है वो उस टर्मिनल में आपका कार्ड की असली डिटेल्स नहीं भेजता है, वो एक वर्चुअली एक एनक्रिप्टेड डिटेल्स आपको उस कार्ड में भेजता है और वहां से उसका लिंक बनता है सीधा बैंक के साथ में। तो बीच में जो वो टर्मिनल है उसको नहीं पता चल पाता उसके आपकी असली डिटेल्स क्या है, उसको नहीं पता चल पाता कि आपने क्या किया है, क्योंकि वो उसका लिंक बनता है सीधा बैंक से और बैंक से उसका जवाब आता है कि जो पेमेंट है वो हो चुका है। तो दोस्तों आप देख के जान गए होंगे कि ये कितना सिक्योर है। अब हम बात करते हैं इसको हम यूज कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको तीनों ही सिस्टम्स में अपने जो कार्ड्स हैं उनको स्कैन करना होगा। ये कार्ड सिर्फ आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड नहीं हो सकते, कई बार जो रॉयल्टी कार्ड या गिफ्ट कार्ड्स आपको मिलते हैं काफी जगहों पे उनको भी आप इसमें स्कैन कर सकते हैं। आप अपने फोन में इनको मैन्युअली भी एंटर कर सकते हैं या फिर अगर आपके फोन में कैमरा से स्कैन करेंगे तो कैमरा खुद से सारी डिटेल्स जो है वो सॉफ्टवेयर उसके अंदर आपकी डिटेल्स कार्ड की डाल देगा। उसके बाद में जब भी आप किसी पेमेंट सिस्टम पे जाते हैं, जब भी आपको ऐसा पेमेंट करना होता है, आप अपने फोन को अनलॉक कीजिए। अगर फिंगरप्रिंट है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप पैटर्न, पिन, पासवर्ड, आप कैसे भी इसको अनलॉक कीजिए अपने फोन को। वो एप्लीकेशन खोलिए, उसमें आपको सभी कार्ड्स जो है उनकी फोटो दिखा देगा। आप चूज कीजिए आपको कौन से कार्ड से पे करना है। जैसे ही आपने वो कार्ड सेलेक्ट किया, आप ऑथेंटिकेट करेंगे अपने फिंगरप्रिंट से या अपने पिन, पैटर्न, पासवर्ड से और आप जैसे ही मशीन पे टैप करेंगे आपका वो पेमेंट हो जाएगा। दुबई में जैसे ही ये लॉन्च होता है, मैं आपको एक डेमो करके दिखाऊंगा मेरे गैलेक्सी नोट 5 के साथ में। मैं एक स्टोर में जाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, कितना आसान है। और ये एक बड़ी ही कन्वीनियंट चीज है कि आपको अपना वॉलेट कैरी करने की जरूरत नहीं है। आपका जो सारा डेटा है वो आपके फोन में है, वो इनक्रिप्टेड है, वो सिक्योर्ड है और वो एक नॉर्मल कार्ड जब आप यूज करते हैं उससे कहीं ज्यादा सिक्योर है। दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पर इसको जरूर से लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपने टेक्निकल गुरुजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना एक नई टेक वीडियो लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।